जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं एवं उनकी राजधानियाँ क्या हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। उसके बाद है आसाम। आसाम की राजधानी दसपुर है। और फिर बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है। गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ये तो हमारे हो गए जो प्रदेश हैं उनकी विभिन्न राजधानियाँ। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादरा एवं नागर हवेली की सिलवासा राजधानी है। दमन और दीप की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पंडुचेरी की राजधानी पंडुचेरी ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली की दिल्ली ही है। जम्मू एवं कश्मीर की श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी लेह है। ध्यान रखना साथियों, इन सभी जो राजधानियां हैं प्रदेशों की उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसी ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों।